बस सब गाइस कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग और दोबारा से देखने यानी हम दोबारा से आ चुके हैं स्पा गेमिंग रिएक्ट। अच्छा यार वैसे मैंने ये स्मार्टी पाई का थोड़ा सा कंटेंट चोरी किया, रील चोरी फोकल अलग चोरी कर लिया, बट यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा था गाइस आजकल। तो यार ओके यही फॉलो करना पड़ेगा। तो ओके गाइस फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है। ये माइनक्राफ्ट का इतना खतरनाक क्रिएचर है कि ये जिस भी प्लेयर को मारता है उसकी वहीं पर कब्र बन जाती है। फोगल आला के पास बहुत सी पावर्स हैं, जो कि शायद ही माइनक्राफ्ट के किसी और मॉब के पास हो। लेकिन फोगल आला है कौन, वो माइनक्राफ्ट में कैसे आया और उसे किसने बनाया, ये सब मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इस तरह की और मजे मजे की वीडियोस बनाऊं। और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लीजिएगा। भाई वैसे इसकी भाई एनिमेशन बहुत अच्छी है गाइस, अगर भाई इसने खुद बनाया ना तो भाई बहुत अच्छा है। चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी टाइम पहले की बात है कि माइनक्राफ्ट में एक विलेज हुआ करता था, जिसमें सब विलेजर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन उस विलेज के बाहर एक विच का घर था। वो विच भी पहले उस विलेज में रहा करती थी, लेकिन वो ब्लैक मैजिक का यूज किया करती थी, जिसकी वजह से उन सब विलेज वालों ने उस विच को अपने विलेज से निकाल दिया। और फिर उसके बाद वो विच उस विलेज के बाहर रहने लगी। उन सब विलेजर्स ने उसे उसके विलेज से निकाला था, इसलिए उसको अब उन विलेजर्स से नफरत हो गई थी और वो इस विलेजर से बदला लेना चाहती। यहाँ पे बताना चाहूंगा विच मेरे ख्याल से इसलिए विलेजर की दुश्मन हुई। वैसे यार ये कौन सा रियल स्टोरी है, बट फिर भी यार मैं रियल मानता हूँ। और इनसे बदला लेने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक स्पेल तैयार कर रही थी, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। उसको अपने साथ किसी और की जरूरत थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज कर सके। ऐसा कोई भी अभी तक माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन वो विच अपने ब्लैक मैजिक से ऐसा कुछ बना सकती थी, और वो ब्लैक मैजिक से इस तरह का कुछ बनाने लगी। ब्लैक मैजिक से आई थिंक जो यार वो बनेगा गाइस होगा यार। चलो यार मां के देखते हैं। था जो कि अपने काम से काम रखता था, वो फार्मिंग करता था और हंसी खुशी अपने विलेज में रहता था। लेकिन एक दिन उस विलेजर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस विलेजर की दुनिया ही बदल गई। वो दिन उस विलेजर का आखिरी अच्छा दिन था। तो हुआ कुछ यूं कि वो विलेजर काम से विलेज के बाहर गया हुआ था और फिर वापस अपने घर आ रहा था, और आते आते काफी रात हो गई थी। और दूसरी तरफ वो विच उसने ब्लैक मैजिक की हेल्प से एक ऐसा स्पेल तैयार किया था जिससे वो माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल क्रिएचर बना सकती थी, जो कि उसके साथ मिलकर विलेजर से बदला ले और फिर इस पूरे पर राज करे। तो इस स्पेल को यूज करने के लिए वो विच एक विलेजर को ढूंढ रही थी ताकि उसे वही पावरफुल क्रिएचर बना सके। तो ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ी उसी विलेजर पर, जो कि अपने घर वापस ही जा रहा था। वो विलेजर बिल्कुल अकेला था और उस विच के पास अच्छा मौका था कि वो उसे अपने साथ ले जाए और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करे। और उस विच ने ऐसा मतलब किया, विच ने होगा लाला को बनाया। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब गाइस विच होगा लाला की माँ है। इसका भी मतलब हो गाइस उसने मौका देते ओके यार वैसे गाइस हम आगे देखते हैं बाकी का यार बाद में विलेजर को अपने साथ ले गई। ओके पहले तो उसने एक मैजिकल स्पेल की हेल्प से उस विलेजर को उसका पास भुला दिया ताकि वो पास का। ओ भाई ये स्मार्टी पाई ने भी मेरी वीडियो में जरूर कहा था, और मैं भी कहना चाहूंगा कि यार इन्होंने यहाँ पे पोशन ऑफ द पीस का यूज किया है। वैसे भाई स्मार्टी पाई यार मुझे इनकी हिमलैंड्स की सीरीज बहुत अच्छी लगती है। जिस जिसको हिमलैंड की सीरीज अच्छी लगती है और जो स्मार्टी पाई को दिल से चाहता है ये टेक्नो गेमर्स को, तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। और यार मार्च के एंड तक हमें 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। तो ओके यार हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी याद ना रख सके और सिर्फ उस विच की बात माने। और जब वो विलेजर अपना पास भूल गया तो अब बारी थी वो मैजिकल स्पेल ट्राई करने की, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता था। और फाइनली उस विच ने वो स्पेल उस विलेजर पर फेंक दिया और फिर आसमान से लाइटनिंग गिरी और वो विलेजर बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसकी आंखों का कलर रेड हो गया और उसमें बहुत सी पावर्स आ चुकी थी। उस विच ने उस विलेजर को उसका नेम दिया, जो के था होगा लाला।
होगा लाला दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। उसकी पावर्स पहले से ज्यादा होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो विच के कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा था। उसकी इतनी पावर्स की वजह से वो विच भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उस विच के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। तो उस विच ने सोचा कि शायद उसने कोई बहुत ही गलत चीज बना दी है और अब वो इसे खत्म करना चाहती थी। तो नेदर में ले गई और वहाँ जाकर उसने उस होगा लाला को नेदर के लावा में फेंक दिया और वो विच फिर उस नेदर से चली गई। उस विच को लग रहा था कि होगा लाला को लावा में फेंक देने से अब वो मर चुका है, इसको कुछ नहीं होगा, ये भाई इमोर्टल है बंदा भाई। गलत थी, मैंने सुना पावरफुल था, इमोर्टल है, लावा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने लावा से और ज्यादा पावर एब्सॉर्ब कर ली। वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया और लावा से इतनी ज्यादा पावर लेने की वजह से उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी रेड थी। ब्लैक बॉडी और रेड आईज की वजह से वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली क्रिएचर लगता है। और अब होगा लाला में बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, तो वो ओवर वर्ल्ड में आ गया। उसने आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद वो यहीं पर नहीं रुका। वो अब प्लेयर्स के वर्ल्ड में उनको हॉन्ट करने लगा था। और गाइस आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि होगा लाला जिस वर्ल्ड में सबसे पहले हॉन्ट करने के लिए आया और किसी का नहीं बल्कि स्मार्टी पाई का था। उस स्मार्टी पाई की हिमलैंड्स वाली सीरीज में सबसे पहले आया ताकि उन लोगों को हॉन्ट कर सके, जिसे आप स्मार्टी पाई की वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। वेट, इस सर्वर पे कौन कौन बंदे अभी? नो वेस, ये क्या मजाक है? एक सेकंड रुको इस वक्त सर्वर के ऊपर देखो, यहाँ पे SEO। गाइस मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा भाई, यहाँ पे स्मार्टी पाई बहुत डर गए थे यार, बहुत ज्यादा डर गए थे। खैर आगे देखते हैं। ड्रीम बॉय एंड मिस्टर ये क्या किया इसने अभी अभी? इसने अभी अभी इसको मारा रे भाई, उड़ के इतना दूर कैसे गया? What? Are you serious? और इसका नाम क्या होगा लाला? गाइस हमारे सर्वर के ऊपर अभी ये बंदा अवेलेबल नहीं है, पर मुझे कैसे दिख रहा है ये बंदा के सामने? इसकी ऐसी की तैसी ब्रो, ये बंदा हमारे सर्वर पे नहीं है, इसको पेलने वाला भी। अरे नहीं नहीं मेरे को ये लगे, एक सेकंड को ये पहन दे तो मेरा ये ब्रो, ये क्या मजाक है? ये कौन है बंदा? हेलो, और इसकी स्माइल कितनी ज्यादा क्रीपी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर्वर के ऊपर ये बंदा है नहीं है, पर मुझे मेरी आंखों के सामने कैसे दिख रहा है बंदा? हेलो भाई साहब, आप हो कौन हो? और इस मुंडी को मार रहा है बंदा, तू किसको पेलता मजा? भाई इस बंदे के बाहर मन नहीं है यार, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा? हेलो, मेरे पीछे पड़ गया बंदा। तो इस वीडियो में होगा लाला को क्लियरली देखा जा सकता है और ये होगा लाला का फर्स्ट इनकाउंटर था। ये होगा लाला अगर किसी प्लेयर को उसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मार दे तो वो प्लेयर उस वर्ल्ड में दोबारा स्पॉन नहीं हो सकता। और स्मार्टी पाई के वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्मार्टी पाई अपने तीन दोस्तों फुलाना जी, ड्रीम बॉय और एजियो के साथ अपने हिमलैंड्स के वर्ल्ड में खेला करते थे, पर जब ये होगा लाला उस वर्ल्ड में आया तो उसने स्मार्टी पाई के दो दोस्तों फलाना जी और एजियो को मार दिया। मतलब भाई एजियो टीनरी को ये होगा लाला ने मारा था, फलाना जी को तो भाई स्मार्टी पाई नहीं मारा था भाई, पेल दिया था उसको। दोनों अब इस वर्ल्ड में दोबारा स्पॉन नहीं हो सकते। वैसे उसके असिस्टेंट ये होगा लाला स्मार्टी पाई के पीछे भी पड़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये होगा लाला भाई अभी तो सीजन 5 चल रहे है, ये कैसे पीछे पड़ गया? अच्छा ये एक साल पुरानी है, उनका सीजन 3 चल रहा था। ओके स्मार्टी पाई जिसे प्रो प्लेयर को मार पाएगा 3 का नहीं फिर होगा। ओके तो ओके गाइस, फिर आज की वीडियो के इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।